सो आज की वीडियो में हम आपको सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि जब एक्चुअली हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर पार्ट्स कैसे और कहाँ डाले जाते हैं। मीट सौविक। सो सौविक की सर्जरी को, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को रफली एक साल होने वाला है। इनकी सर्जरी से पहले जो एक्सरेज थे उनके अंदर इनका राइट हिप बिल्कुल डैमेज था, जैसा कि ये एरोस से हम देख सकते हैं कि राइट हिप बिल्कुल डैमेज है। और जो सर्जरी किया हो हमने, ये सर्जरी में हम देख रहे हैं कि इनका कप और स्टेम का प्लेसमेंट है, दिस इज अनसिमेंटेड, बहुत ही अच्छे से इम्प्लांट इंटीग्रेट हो गया है, स्टेम भी और कप भी। ये हमारा एक्चुअल कप है मेरे हाथ में, अंदर ये हाईली क्रॉस्टिंग पॉली डला हुआ है, तो ये कप ऐसे जाता है राइट, जैसा कि आप अभी यहाँ पर इस एक्सरे में देख रहे हैं। ये हमारी थाई की बोन का मॉडल है और ये स्टेम है अनसिमेंटेड, जो कि इनके केस में यूज किया गया, ऑल्दो इनके केस में हमने कॉलरलेस यूज किया है। ये जाके आपकी बोन के अंदर ऐसे जैम हो जाता है और ये जाके बहुत ही अच्छी ग्रिप ले लेता है, और ये ऐसे ये स्टेम इनका नजर आ रहा है, जैसा कि आप इस मॉडल में भी देख पा रहे हैं।